छतरपुर के महाराजपुर से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के चाचा पर एक दलित का अपहरण कर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने विधायक के चाचा प्रदीप दीक्षित के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित मजदूर बुधुआ प्रजापति का आरोप है कि विधायक के पिता ने 3 साल पहले उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसने थाने में दर्ज कराई थी और इसी केस में विधायक के पिता को हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी। पीड़ित का कहना है कि अब विधायक नीरज दीक्षित का चाचा उसी केस में राजीनामा करने का दबाव बना रहा है और जब उसने राजीनामा करने से इनकार किया तो उसका अपहरण कर लिया गया और बेरहमी से मारपीट की गई और मरणासत्र हालत में छोड़कर फरार हो गए। विधायक नीरज दीक्षित के चाचा प्रदीप दीक्षित ने मारपीट की है। क्यों की है इन लोगों ने? इन लोगों ने ऐसी की है कि जो विधायक जी हैं उनके पिताजी विनोद दीक्षित थे, तो उनने 2 साल पहले हमको मारा था 3 लोगों ने, तो हमने केस लगवा दिया था हरजन और उसमें राजीनामा का प्रस्ताव रखा और राजीनामा ना देने के कारण इनने हमको प्रदीप दीक्षित ने उनके विधायक जी के कहने से हमको गाड़ी में बैठा कर गरेला तगेला से और बैठा लिया, जबरदस्ती खींच लिया और मलकाव और नमऊ के बीच में मार दिया। किस चीज़ से मारपीट की है आपके साथ में? लोहे के डंडा से की है। कितने लोग थे? 2 लोग थे।